70 सालों में हम लोग अपनी मीडिया क्यों नहीं बना पाए? इस विषय पर हमारे बुजुर्गों को ध्यान देना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब हमारे युवा इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, तो हमारे बुजुर्गों को चाहिए उनको मार्गदर्शन दें, उनको सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश करें कि मीडिया को भी इस लाइन में वो प्रेरित करें कि हमारे युवा आए और इस काम को शुरू करें। अब चलते हैं यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब टीवी क्या है? यूट्यूब टीवी एक ऐसा संसाधन है, आपने यहाँ पर एक कोई भी वीडियो डाली और पूरे होल ग्लोब में, जो हमारे ग्लोब है, जो विश्व है, इस कोने से उस कोने तक सेकंड में आपकी खबर पहुंच जाती है। आपको चैनल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना है, चैनल आपने क्या सोचकर बनाया है, चैनल की जरूरत क्या है, ये बात देवेंद्र जी बताएंगे। मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि एक आप लोग बुद्धिस्ट बुद्ध धर्म को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। एक वर्ड आता है श्रोता बननी, सुन सुनकर बुद्ध बनना। मैं अपने आप को बुद्ध नहीं मानता अभी तक, क्योंकि सील बहुत सारे बुद्धों के अंदर है, शायद मैं उनको पालन नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक, तो मैं इसलिए अपने आप को बुद्ध नहीं मान रहा हूँ। लेकिन श्रोता बननी में अपने आप को मानता हूँ कि सुन सुनकर बन जा। तो आप सुन सुनकर बने हुए बुद्ध से बात कर रहे हैं, मैं पूरी तरह बुद्ध नहीं। जैसा कि अभी बाबू जी ने बताया कि नाम अटपटा लग रहा है, नाम अटपटा बेशक है, लेकिन इस नाम के अंदर बहुत सारी सार गर्भिताएं छिपी हुई है। सम्मान, हमारा जो बहुजन समाज है उसे सम्मान की लाइन रहा है और सम्मान ही नहीं मिल रहा उसको, तो ये बात तो कहीं ना कहीं पकड़ने की है। इसी बात को हमारे वक्ता जो है वो गांव गांव जाकर, हमारे काकी राम जी हैं, हमारे बाबू जी हैं, रामेश्वर साहब हैं, गांव गांव जाकर इससे एक सम्मान की लड़ाई के ऊपर ही अपना पूरा जीवन इन्होंने कई दशकों से सिर्फ यही समझा रहे बहुजन समाज को कि सम्मान क्या होता है। हमारे बीच सम्मान की लड़ाई है, हमारे बीच जातिवाद की जो लड़ाई है वो सम्मान की लड़ाई। मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। हिसाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने चैनल की स्थापना की, सम्मान एक अधिकार, जिस विषय के ऊपर उन्होंने चैनल की स्थापना की है उस विषय पर बने रहे। बाबू जी ने भी एक बात उन्होंने कही कि हमें थोड़ी अपने हमारे समाज के अंदर तो चैनल कम है, तो चैनल की जो पूरी व्यवस्था है, तीन तीन चार चार लाख रुपये जो कोर्सेज है वो हमारे बच्चे नहीं कर पाते, तो थोड़ी कहीं ना कहीं उनको शिक्षा देने की जरूरत है। जैसे कि मेरे दोनों कैमरामैन भाई यहाँ पर खड़े हैं, उन्हें भी शिक्षा की जरूरत है। ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं पूरे विश्व में जाएंगे, अभी शाम को या कल जब हिसाली जी अपने चैनल पर इसको अपलोड करेंगे तो पूरे विश्व में जाएगी। लेकिन जो हमारे कैमरामैन भाई हैं वो मुझे इधर से शूट कर रहे हैं, पीछे कुछ भी नहीं आ रहा, जबकि इनको शूट करना चाहिए था इधर से कि जितने भी वक्ता बोले कम से कम ये बैनर तो आए। आप समझ रहे दोनों लाइन पर आपकी शिक्षा भी शुरू हो गई। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सोचनी पड़ेगी, ये छोटी छोटी बातें आपको सोचनी पड़ेगी, पानी क्या सोचनी पड़ेगी। अभी भी आप ही चला जाओ दोनों भाई, चित्रकार भाई जी आप ही चला जाओ। ये छोटी छोटी बातें हमें ऐसे याद देने की है कि आप अपनी वीडियो को महत्व, जो बात आप इस भारत से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देशों तक पहुंचाना चाहते हैं वो कैसे पहुंचाए, आपकी बातें प्रभावशाली कैसे होंगी, आपको कंटेंट क्या देने वो आपको समझ नहीं पड़े। बाकी बात देवेंद्र भाई मेरे पास आएंगे तो उनको बहुत सारी बातें समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।